शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? होप आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो चलिए आज मैं शुरू कर रही हूँ मेरी दूसरी रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूँ तूर और मसूर की दाल और उसके साथ मैं चिकन कबाब बनाने वाली हूँ। तो मैं चलती हूँ मेरे पहले इंग्रेडिएंट के साथ। तो मैं पहले ले लूँगी थोड़ी सी दाल, अराउंड 1 to 2 कप, अराउंड 2.5 कप मैंने ले ली है तूर की दाल। तो अब मैं ले लूँगी मसूर की दाल, ये देखिए थोड़ी सी, जस्ट अराउंड देखिए थोड़ी सी मसूर की दाल इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा, तुअर की दाल में बहुत टेस्ट आ जाएगा, तो दाल बहुत टेस्टी बनेगी अगर हम मसूर की दाल भी उसके साथ ऐड करेंगे। तो सेपरेट आप मसूर की दाल भी बना सकते हैं तो, और तुअर की दाल भी बना सकते हैं, बट मेरा स्टाइल यही है तो मैं ये दोनों दालें ऐड। देखिए मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, अभी मैं इसको कुकर में, अभी कुकर को ऑन कर लिया। अभी मैंने यहाँ पे चढ़ाया है थोड़ा गर्म पानी। अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, ये गर्म पानी मैं दाल में डाल दूँगी। दाल में डालने के बाद थोड़ा सा डालूँगी, जस्ट इसको एक थोड़ा सा बॉयल आना चाहिए, उसके बाद मैं इस दाल को फिर से वॉश करके फिर से बनाऊँगी, क्योंकि आजकल की दाल कुछ ठीक नहीं आ रही, तो हमें थोड़ा सा बॉईल करके उसका पानी फेंकना पड़ेगा स्टार्टिंग में। इसका सारा प्रोटीन तो नहीं जाएगा, बस जो भी डस्ट रह जाएगा, केमिकल्स रह जाएंगी, वो सब निकल जाएंगी। तो इसलिए मैं कभी भी जब भी दाल, अब ऐसी इस तरह से बनाकर देखिए, दाल का टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा और ज़्यादा टेस्टी दाल बनेगी, उसकी दाल वाली महक ख़त्म हो जाएगी जो डस्ट वाली रहती है। तो गर्म पानी में मैंने इसको थोड़ी देर, जस्ट 1-3 बॉइल्स आने पर मैं इसका पानी फेंक के दूसरे पानी फिर ऐड करूँगी। 2-3 बॉइल आ गए, अभी इस पॉइंट पर मैं इसको वॉश कर दूँगी। देखिए मैं ये पानी इसका फेंक दूँगी, दाल को धो दिया। देखिए अब मैं इसमें ऐड करूँगी वाटर। दाल का इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मैंने लिया, मैंने ले लिए हैं इसमें कुकर में मेरे डालना है, तो इसमें मेरे टमाटर ले लिए, ये मैंने फ्रीज टमाटर को करके रखे हैं। देखिए मैंने सारे टमाटर को ऐसे कट लगा के अच्छे से चेक करके मैं फ्रीज कर देती हूँ, ऐसे फुल देखिए इस तरह से कट लगा कर रखती हूँ, ताकि इसमें कोई कीड़े वगैरह ना आ जाए, क्योंकि आजकल टमाटर भी बहुत ख़राब आने लगे हैं, तो ऊपर से अच्छे ही नज़र आते हैं, अंदर से उसमें कुछ ना कुछ इंसेक्ट्स होते हैं। तो मैंने इस तरह से ये करके रख लिया है, कट लगा के चेक करके मैंने फ्रीज किया है। देखिए टमाटर हो गया, अभी मैं दिखाती हूँ दाल के इंग्रेडिएंट्स। इसमें मैं यूज़ करूँगी थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा, तो ज़ीरा अराउंड 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून रेड चिली, और मैंने ले लिया है थोड़ा गार्लिक, थोड़े गार्लिक के टुकड़े, अराउंड 6-7 टुकड़े मैंने ले लिए, और थोड़ी सी प्याज। तो ये सारा इंग्रेडिएंट्स मैं अभी दाल में डाल दूँगी। दाल बॉईल हो रही है इस वक्त, मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाल दूँगी इस तरह से। बिस्मिल्लाह, थोड़ा वाटर ऐड करके इसमें डाल दीजिए। मैंने दाल में पानी कम रखा है, क्योंकि हम फ्रीज टमाटर डाल रहे हैं, तो टमाटर भी उसमें का पानी छोड़ेंगे, ठीक है। ये देखिए और मैं ऐड करती हूँ टमाटर। देखिए हमारे टमाटर मैं इसमें ऐड कर दूँगी, इसका पानी भी छूटेगा तो इसी में दाल अच्छे से गल जाएगी। नमक मैं अभी इसमें ऐड नहीं करूँगी, नमक मैं इसमें थोड़ी देर बाद ऐड करूँगी। अराउंड 1.5 गिलास ऑफ वाटर मैंने इसमें ऐड किया है, ये देखिए, और मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर दिया ताकि सारी चीज़ें एक साथ गल जाए, ठीक है। अभी मैं इसको लगा देती हूँ प्रेशर पर, अभी 3-2-1 तक इसको कुकर पर रखेंगे। मैंने एक ऐसे से छन्नी ले लिया, देखिए ऐसे कोई भी आप ले सकते हैं जिससे वाटर ट्रांसफ़र हो जाए,
देखिए अभी मैंने सारे दाल इसमें डाल दी। इस पॉइंट पर मैं ऐड करूँगी नमक, इस अराउंड हाफ टेबल स्पून। इसे मैशर की मदद से दाल को अच्छे से मैश कर लूँगी। ये दाल अच्छी तरह से मैंने सारी मैश कर ली है। अभी मैंने इसको चढ़ा दिया है चूल्हे पर, और जैसे ये थोड़ा अच्छे से बॉईल होगा मैं लगा दूंगी इसका तड़का। फ्रेंड्स मेरी दाल अच्छे से बॉईल हो गई है। इस पॉइंट पर मैं अभी एक वेजल रख दूंगी और इसको तड़के के लिए तैयारी कर लेंगे। सारा पानी सूख गया, अभी मैं ऐड करूँगी थोड़ा ऑयल, अराउंड 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मैंने ये इंग्रेडिएंट्स लिया है तड़के के लिए। ये देखिए मैंने ले लिया है ज़ीरा, राई, करी पत्ता, थोड़ी सी ऑनियन, तो एक गार्लिक का पीस, और थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर जस्ट फॉर टेस्ट के लिए है। आप थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, थोड़ा पिंच ले सकते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं अभी ऑयल में ऐड कर दूँगी। ये देखिए मैं ऐड कर दूंगी और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से फ्राई कर लेंगे, तब तक ये एकदम से डार्क ब्राउन चाहिए हमें, इसका कलर लाइट ब्राउन नहीं चाहिए, एकदम सा डार्क अच्छा कलर चाहिए, तभी इसमें टेस्ट सारा इन्हांस होगा। ये थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया है, इस पॉइंट पर मैं अभी ये दोनों ऐड कर दूंगी, हल्दी और थोड़ा सा रेड चिली। पहले ही डाल देंगे तो वो जल जाएगा सारा मसाला। देखिए इस तरह से हमें ऐड करना है, जस्ट फॉर कलर टेक्सचर के लिए हमें ऐड करना है। अब इसमें अभी अच्छे से पक गया है, फ्राई हो गया है, इस पॉइंट पर मैं ऐड कर दूंगी अपना दाल। ये देखिए इसका तड़का तो रेडी हो गया, अब मैं ऐड करूँगी इसमें दाल। ये देखिए हमारी दाल तैयार हो गई। अब जैसे ही हो गया इसको क्लोज कर देंगे। इस तरह रही हमारी दाल, अच्छे से तड़का लग गया इसको, और इस तरह बन रहे हैं मेरे प्लेन वाइट राइस, और इसी के साथ हम कबाब फ्राई कर लेंगे। मैं अभी चिकन कबाब बनाने वाली हूँ, तो चिकन कबाब के लिए मैं एक बाउल ले लिया है, इसमें मैंने ऐड कर दिया है चिकन, ये नियर बाई 1/2 किलो के करीब है। तो इसमें मैं डालती हूँ सारे इंग्रेडिएंट्स, मैं ऐसे ही डाल दूँगी डायरेक्ट से, आप देख लीजिए। ये देखिए मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ धनिया का, और 1/2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ हल्दी, टर्मरिक पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला, अराउंड 1/2 टेबल स्पून ऑफ गरम मसाला। इसी में मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा वन स्पून कॉर्नफ्लोर। ये देखिए वन स्पून कॉर्नफ्लोर मैंने ऐड कर दिया, और मैं अभी इसमें ऐड करूँगी रेड चिल्ली पाउडर अराउंड 1 स्पून प्लस और 1 स्पून। देखिए 2 स्पून मैंने डाल दिया है रेड चिल्ली पाउडर, और यह है मेरा नॉर्मल रेड चिल्ली पाउडर, तो अराउंड 3 टेबल स्पून, छोटा स्पून है, छोटे स्पून से आप 3 टेबल स्पून। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट 1 स्पून, और लहसुन का इट्स 1.5 स्पून आप लहसुन का पेस्ट ले लीजिए। देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट हमने ऐड कर लिया। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे चिकन कबाब मसाला। ये मैंने किंग सीक्रेट का स्पाइसेस का मसाला लिया है, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो अभी मैं ऐड कर दूंगी चिकन मसाला 1 स्पून, अनदर 1 स्पून, और ये देखिए मैंने 3 to 4 स्पून चिकन मसाला आप इसमें
ऐड कर देंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी एक हाफ लेमन। देखिए डाल दिया। अब मैं ऐड करूंगी इसमें नमक। देखिए 1 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून मैं नमक ऐड कर दूंगी एज पर टेस्ट। और प्लस इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर दूंगी। ये देखिए मेरे पास डार्क रेड फूड कलर है। इसमें एक थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून या फिर थोड़ा जस्ट सम पिंच ऑफ रेड कलर विल एडेड। प्लस इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 स्पून चाट मसाले का। चाट मसाला डालने से आपका चिकन में बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है, उसका पूरा इन्हांसमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत अच्छे से टेस्ट आता है जब आप चाट मसाला इसमें ऐड करेंगे। दिस इज रियली विल गिव यू ए नाइस टेक्सचर एंड ए नाइस टेस्ट वाइल कुकिंग इट। डोंट फॉरगेट टू ऐड दिस सीक्रेट, बिकॉज यूजुअली मैं भी पहले यूज़ नहीं करती थी चाट मसाला चिकन में। अभी मैं यूज़ किया है लास्ट टाइम मैंने देखा तो बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था माशाल्लाह। चलिए हम इसी आप इसी इंग्रेडिएंट्स के साथ कबाब बनाइए, मैं बनाने के बाद आपको शेयर करूँगी। हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं स्पून से। जैसे मैंने कहा कि कुछ भी काम नहीं होने वाला, हमें सब चीज़ें इस तरह हाथ से ही ऐड करनी पड़ेगी। देखिए मुझे जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स में डाली हैं ये काफ़ी हैं, इसमें और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं। इस पॉइंट पर आप चाहें तो दही भी ऐड कर लेंगे, उससे भी चिकन सॉफ्ट बनेगा। मुझे अभी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, मुझे ये थोड़ा क्रिस्पी वाला चिकन बनाना है। कॉर्नफ्लोर मैं थोड़ा ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि चिकन पाउडर में ऑलरेडी कॉर्नफ्लोर होता है। देखिए इतना ड्राई ड्राई से मैंने अच्छे से मसाला लगा रही हूँ। अच्छे से इसको प्रेस करके इस तरह से लगाइए ताकि सारा चिकन में इसका टेस्ट अच्छे से आ जाए। और ये मैं मैरिनेट करके रख दूँगी अराउंड हाफ एन आवर या फिर 1 आवर, जब तक कि मेरा दूसरे चीज़ें पकती हैं। ये तो मैं लास्ट में ही फ्राई करूँगी और इसको मैरिनेशन के लिए फ्रिज में ढक कर रख दूँगी। ठीक है, ये देखिए मेरा मैरिनेशन कितनी अच्छे से चिकन में मिक्स हो गया है। अभी मैं इसको रख दूँगी और फ्रीजर में फ्रिज में रख दूँगी। आप चाहे तो फ्रीजर में भी रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, या फिर आप नीचे भी रखना है, इसलिए मैं थोड़ा ऑयल डाल दूँ। बिस्मिल्लाह, देखिए इतना ऑयल मैंने ऐड कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, मेरा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है और मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन चिकन लेग पीस पहले ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए मेरा ऑयल इस पॉइंट पर गर्म हो गया। हमें बहुत ज़्यादा भी हीट नहीं करना है, मीडियम हीट पे ही चिकन को डालना है। ये देखिए मैं चिकन के पीसेस इसमें ऐड कर दूँगी और एकदम से मैं जल्दी से इसको नहीं हिलाऊँगी, थोड़ी देर इसको वन साइडेड ही पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए इस तरह से मैं ऐड कर दूँगी। मेरा चिकन वन साइड में अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अभी मैं इसको दूसरी तरफ पलट दूँगी। ठीक है, ये देखिए एक एक करके मैं इसको पलट दूँगी, क्योंकि जैसे ही हम चिकन डालें इमीडिएटली अगर उसको हमने हिला दिया तो उसका सारा मसाला निकलने का डर रहता है। अभी देखिए ये थोड़ा सा पक गया है तो इस पॉइंट पर हम इसको टर्न कर लेंगे। स्लोली स्लोली करना पड़ेगा हमें। देखिए फ्रेंड्स, मेरा चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है। देखिए कितना रोस्टेड होना है। देखिए मेरा ऑयल गरम है, इसे मैं डालती हूँ करी पत्ता।
इससे टेस्ट और यहाँ से जो करी पत्ते डाल दिए। अब मैं थोड़ा इस पर चिकन पाउडर स्प्रिंकल कर दूंगी। फ्रेंड्स, इसी डिश के साथ आज का मैं व्लॉग एंड करती हूँ। चलिए आ जाइए खाने के लिए। ये है मेरा चिकन कबाब प्लस एग, बॉइल्ड एग है इसमें, और लेमन और ऑनियंस है, और ये है मेरा प्लेन राइस और दाल। चलिए तो इसी डिश के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ, और मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ, नई विश और नई डिश के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए अल्लाह हाफिज़।